तो ये है बाटू केव टेम्पल, हम आ चुके हैं और ये देखो मेन एंट्रेंस। अगर आप आ रहे हो कुआलालंपुर तो ये प्लेस बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये प्लेस बहुत ही अच्छी है। और ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मेरे पीछे आप देखो ये जो क्या कहते हैं ये साथ में सीढ़ियाँ हैं चल जा रही हैं ऊपर, ये 272 सीढ़ीज़ हैं स्टेयर्स हैं। और आपको मैं टाइम बता देता हूँ, मैं तो वैसे दोपहर के टाइम आया हूँ 3 बजे के करीब। अगर आप आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप या तो सुबह के टाइम आओ मॉर्निंग में, या तो इवनिंग में आओ, क्योंकि धूप होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोपहर के टाइम। लेकिन अभी तो फिर भी मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पीछे देखो पूरा ये सारा, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स बनी हुई हैं, अगर आप कुछ खाना चाहो तो खा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं, कोकोनट वाटर दिख रहा है और भी बहुत सारी शॉप हैं, पूरी लाइन से शॉप्स ही शॉप्स हैं वो पीछे मेरे पूरे वो पीछे। और ये देखो मेन, ये है एंट्रेंस और ये देखो देखो कितनी कलरफुल्स बना रखी हैं। ये वहाँ से हम चढ़ते हुए आए हैं यहाँ तक, देखो जैसे ही एंटर करोगे ऐसे दिखेगा। यहाँ पे शॉप है, बाटू के टेंपल के अंदर। ये देखो केव, बीच में केव है और बीच में से खुला हुआ। ये देखो टाइमिंग देख लो आप, ये टाइमिंग है। ये है देखो बाटू केव, बाकी ये टेंपल देखो आप, केव देखो। यहाँ से आप एंटर करोगे ठीक है, बाटू केव के बिल्कुल साइड में नीचे की तरफ ही, ये आप एंटर करके ये दर्शन करो। ये देखो ये मेन्यू है बाटू के उसके सामने जो रेस्टोरेंट है।
ये आप खा सकते हो। कुछ प्राइस लिखे हुए यहाँ देख सकते हो। ये हमने लिया है बाटू केव टेम्पल में, जो रेस्टोरेंट्स हैं बिल्कुल सामने उसके। ये आइस टी है, जो चाय होती है उसको ठंडा कर रखा है बस बर्फ़ डाल के। और डोसा भी आ गया। बिल टोटल आया है 3 + 4 700।